अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? तो आज हम लोग जा रहे हैं कैफे बेदार इफ्तार बुफे करने। अभी ऑलमोस्ट 5:30 हुए हैं, मैं अभी ऑफिस से निकला हूँ और अभी बैरिया जाना है। बैरिया से फैमिली को पिक करना है और फिर हम जाएंगे कैफे बेदार जो कि बैरिया में ही है। मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ वहाँ पे, तो देखते हैं उनका खाना वगैरह कैसा है। तो सर आपको दिखाते हैं और उनका मेन्यू, उनका खाना, व्यू वगैरह सारा कुछ आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। बस मैं अभी निकला हूँ और रश भी होगा रास्ते में, तो कोशिश पूरी है कि टाइम से हम लोग पहुँच जाएँ। अभी हम पाइन एवेन्यू के पास हैं, वापरा टाउन से थोड़ा सा आगे, और गिरफ्तारी का टाइम क्लोज है तो काफी रश लगा हुआ है। लेट्स सी टाइम पे पहुंच पाते हैं कि नहीं। बैरिया एंटर हो गए हैं फाइनली और ऑलमोस्ट 6:10 हो गए हैं, सिर्फ 20 मिनट रह गए हैं इफ्तार होने में। तो मुझे यहाँ स्पीड मारनी पड़ेगी कि मैंने जाना है पिक करना है, सारे रेडी बैठे हुए हैं और फिर आगे निकल। ये हम जी ट्यूलिप ब्लॉक पे एंटर हो गए हैं और बस ऑलमोस्ट 2 to 3 मिनट्स में हम पहुंचने वाले हैं और इफ्तारी का टाइम भी बिल्कुल क्लोज ही है, होने लगी है इफ्तारी भी। ये हम पहुंच गए हैं जी कैफ़े बेदार। पार्किंग स्पेस सही है, ठीक है, पार्किंग यहाँ पे करते हैं एंड जाके देखते हैं अंदर। हाँ ठीक है। ये है जी, बाहर से आप देख सकते हैं पार्किंग स्पेस काफ़ी खुली है, इजीली पार्किंग भी हो गई है। ये हम एंटर हो गए हैं जी अंदर कैफ़े बेदार में। अभी ऑलमोस्ट 10 मिनट पड़े हैं इफ्तारी में, तो हम ये सारा तब तक विज़िट करते हैं कि किस तरह का है व्यू वगैरह, एम्बियंस वगैरह सारा देखते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, अच्छा एक बना हुआ काफ़ी। बाकी देखते हैं सारा, अच्छा लग रहा है काफ़ी। फर्स्ट टाइम ही आया हूँ मैं, तो लेट्स ट्राई, देखते हैं किस तरह का ये। सारी देखें मोस्टली इनकी आउटडोर सेटिंग ही है, यहाँ पे इंडोर सेटिंग भी है, यहाँ पे अंदर थोड़ी सी स्पेस है, बाकी सारी इनकी आउटडोर सेटिंग ही है। ये देखें यहाँ पे इनका सारा जो मेन्यू वगैरह वो यहाँ पे, वो भी दिखाते हैं आपको थोड़ी देर तक, अभी जैसे इफ्तार होता है तो सारी आपको आइटम्स जो हैं वो दिखाते हैं। ये है जी इनका मेन्यू, समोसे, पकोड़े और ये सैंडविचेस, इसके अलावा जी दही बल्ले और स्प्रिंग रोल्स, इसके अलावा ये फ्राइड बारबेक्यू विंग्स हैं और ये है जी फ्राइड चिकन, इसके अलावा टेरागोन चिकन, मोस्टली आइटम्स चिकन की ही हैं इनके पास, और ये है जी हेलोपिनो स्टेक, बहुत अच्छा है ये भी, चिकन मशरूम पैनी पास्ता, ये भी बहुत अच्छा है, मैंने ट्राई किया। ये है जी एग फ्राइड राइस, चिकन नूडल्स, कुंग पाओ चिकन चाइनीज़ में, और कैशू नट चिकन, बीफ निहारी, एक आइटम बीफ की भी आ गई, और चिकन कीमा। मोस्टली चीज़ें जैसे मैंने बताया चिकन की ही हैं, चिकन पुलाव, और ये है जी नान जो कि कोई खाएगा मेरे ख्याल में, चिकन टिक्का बोटी, और ये है जी चिकन कबाब। मीठे में भी काफ़ी कुछ है इनके पास, आप देख सकते हैं पेस्ट्रीज वगैरह, मूज वगैरह भी है, और इसके अलावा फ्रूट ट्राइफल वगैरह भी है इनके पास और काफ़ी टेस्टी है। ये इनका जो है यहाँ पे ड्रिंक्स कॉर्नर है, जहाँ से चाय वगैरह आपको मिल सकती है और कोल्ड ड्रिंक वगैरह, बाकी ये सारा इनका सेटअप है जहाँ पे सारा मेन्यू इनका पड़ा हुआ है। और मैंने ऑलमोस्ट सब चीज़ें ही ट्राई की हैं, सबका बहुत अच्छा टेस्ट है, एम्बियंस भी बहुत अच्छी है जैसे कि आप देख सकते हैं। आउटडोर सेटिंग बहुत प्यारी उन्होंने बनाई हुई है फ्रेंड्स वगैरह के साथ, मतलब आप बैठ सकते हैं देखें, और मतलब अच्छा रिफ्रेशिंग व्यू है काफ़ी।
फैमिली का भी अच्छा एनवायरनमेंट है, फैमिली के साथ भी आप लोग आ सकते हैं, इंडोर सीटिंग भी है, हम लोग तो आउटडोर ही बैठे हैं ऐसे, काफ़ी अच्छा एक एनवायरनमेंट है ये। उन्होंने एक प्रोजेक्टर भी लगाया हुआ है यहाँ पे, मतलब सॉन्ग्स वगैरह, वैसे रमज़ान था तो सॉन्ग सुनी थे लेकिन कुछ ना कुछ प्ले होता ही रहता है। काफ़ी मतलब अच्छा एनवायरनमेंट लगा मुझे, मैं फर्स्ट टाइम ही आया यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हैं प्यारा खूबसूरत बना हुआ, अच्छा व्यू है और मतलब ओपन एयर सेटिंग इनकी, तो काफ़ी मतलब अच्छा है हर लिहाज से। है भी इस तरह के एरिया में कि आस पास इतना कोई क्राउड वगैरह नहीं है, क्या मतलब एक पुरसकून पूरे ब्लॉक में बना कर ली है। एंड बहुत अच्छा खाना था, रेट भी बहुत अच्छी थी, सारा कुछ बड़ा अच्छा था। और ओनली इन जस्ट 1500 इंक्लूसिव फॉर टैक्सेस, बहुत रीजनेबल है एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शन। तो आप लोग भी आए, ये बैरियर ट्यूलिप ब्लॉक में है और बहुत अच्छा टेस्ट है, सारी आइटम बहुत अच्छी थी। तो बस अब मैं ब्लॉग एंड करने लगा हूँ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।